विश्व मानक दिवस एक सेलिब्रेशन होता है हमारे सभी स्टेक होल्डर्स का जो मानकीकरण में योगदान देते हैं। तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में सभी तरह के स्टेक होल्डर्स, जिसमें इंडस्ट्री के एसोसिएशंस भी हैं, लाइसेंसीज भी हैं BIS के, अकेडमिया से भी लोग जुड़े हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं, लेबोरेटरी से लोग जुड़े हैं, सभी आज यहाँ इस मानक महोत्सव के सेलिब्रेशन में जुड़े हैं। ये सेलिब्रेशन हर साल 14 अक्टूबर को किया जाता है। इस साल का हमारा जो विषय है वो SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू AI पे केंद्रित है। आज के हमारे अतिथिगण में भी डॉक्टर सुधीर बराई बिट्स पिलानी से जुड़े हैं, डॉक्टर अनंत शर्मा जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि और EC के मेंबर भी हैं BIS की, वो जुड़े हुए हैं, अमित कक्कर जी जुड़े हुए हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ ITC गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से हैं, और सुधीर अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं 40K जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर राजस्थान फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के। तो सभी तरह के आप देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन हमारे अतिथियों में भी है और सभी हमारे जो प्रतिनिधि जुड़े हैं उनमें भी है। मानकों के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो ये प्रयास करता है कि गुणवत्ता का एक जो अलग है वो इस देश में कोने कोने तक पहुंचे, उसी का ये सेलिब्रेशन है। इससे पहले उदयपुर और अलवर में हमने इसी तरह की स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव करी थी और वहां पर भी हर तरह की प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े थे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जयपुर ब्रांच द्वारा आज मानक पे स्पेशली एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कैसे हम आम उपभोक्ताओं, व्यापारी, उद्योगपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मोटिवेट कर पाएँ कि वो अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता पे खास ध्यान दें, कैसे हम उन स्टैंडर्डों को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कैसे सरकार अपना सहयोग कर रही है, कहाँ कहाँ सरकार ने अपने इसके रिसर्च सेंटर और डेवलपमेंट के लिए खोल रखे हैं, उसके बारे में भी जानकारी दे सके। तो इसके लिए एक अच्छा प्रोग्राम, अच्छी सेमिनार का आयोजन इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो द्वारा किया गया है।